एक ग्वाला अपने गाय को लेकर बहुत दुखी रहता है, क्योंकि उसकी गाय ने यमुना जी का जहरीला पानी पी लिया है, जिससे वह अचेत हो गई है। वो बहुत दुखी है और रो रहा है। तभी दूसरी ओर से कुछ बच्चे बाल गोपाल के साथ खेलते हुए आ रहे हैं। तभी गेंद पानी में गिर जाता है और सब एक साथ चिल्लाते हैं, एक वाला कहता है सभी, अरे काना, तुमने क्या किया? ये कितनी तेज उछाल दी कि वह यमुना नदी के बीच में चली गई। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? तभी कान्हू जी कहते हैं, अरे तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मैं यूं गया और तू गेंद ले आया। तभी बलराम कहता है, काना जी कहते हैं, चिंता मत कीजिए बाबू, कुछ नहीं होगा, मैं अभी गेंद लेकर आता हूँ। काना जी यमुना में कूद जाते हैं। सभी एक साथ चिल्लाते हैं, तभी कुछ बालक बलराम के साथ माँ यशोदा और नंद बाबा को सूचित करने के लिए चले जाते हैं। काना जी यमुना में उतर कर अपना गेंद ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं अपना गेंद को और जैसे ही उसे उठाने जाते हैं, उन्हें विशालकाय कालियानाग सोता हुआ दिखाई देता है। और तभी कालियानाग की पत्नी आकर उन्हें कहती है, जाग जाता है और कहता है, तुम कौन हो? आज मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगा। कान्हा जी कहते हैं, अपना भोजन बनाने से पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। तभी कालियानाग कान्हा जी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर पकड़ नहीं पाता है। किसी की गुस्से में आकर वो अपना विष कान्हा जी के ऊपर निकालने लग जाता है। तभी कान्हा जी कहते हैं, बस कालिया, मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, तुम यमुना तभी कालियानाग और कृष्ण के बाद भीषण युद्ध